सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। देख पा रहे हैं वीडियो में सामने हरियाणा, जो कि हम बार बार ये कहते हैं, हरियाणा जो है मुर्रा की खान है और यहाँ से जो मुर्रा का पशुधन है वो बार बार बहुत अच्छी क्वालिटी का निकलता रहता है। आज एक और जोटी मैं आप सभी भाइयों को दिखा रहा हूँ, शो क्वालिटी की जोटी है। किसान पशुपालक हैं, आम पशुपालक, एक दो पशु घर रखते हैं और एक ही जोटी है। एक साथ में दिखाई दे रही है इसकी कटड़ी जो पिछले साल की है वो, और आज ही बच्चा दिया है जोटी ने। देख पा रहे हैं सामने हरियाणा, जो बार बार मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ, जो मुर्रा की खान है। यहाँ मुर्रा का भी बहुत सारे भाई कहते हैं गाड़ियाँ लोड होके जा रही हैं, बिक रहे हैं, हरियाणा से पशुधन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा काम हरियाणा के पशुधन को सुधारने में हमारी हरियाणा गवर्नमेंट और जो हमारी पंचायती जो बुल हैं, पंचायतों ने जो किया है वो बहुत शानदार किया है। ये जोटी सामने देख पा रहे हैं, पूरा डिटेल से एड्रेस वगैरह की जानकारी लेंगे। एक से बढ़कर एक मैं कहूँगा पशुधन हरियाणा से निकलता रहता है। आज एक और जोटी सामने देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुशील कुमार है, गांव जजवंती, जिला जींद है। ये जींद से 20 किलोमीटर है, जुलाना से 4 किलोमीटर पड़ता है। जुलाना जो कि शायद तहसील है जींद जिले की ना। जुलाना से 4 किलोमीटर है। हाँ, जुलाना से 4 किलोमीटर, जींद से 20 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है ठीक है। तो भाई साहब ये जोटी जो पिछले साल आपके पास ही थी? हाँ, पिछले ही साल ये हम मेरे मामा के यहाँ थी, वहाँ से लेके आए थे हम अपने घरे के समझो। अच्छा, तो भाई साहब दूसरी बार बच्चा दिया अभी? हाँ, दूसरी बार बच्चा दिया भाई साहब। तो पहले ब्याह में कितना दूध दिया था? पहले ब्याह में इसने 17-18 लीटर दूध दिया है। 17-18 लीटर दूध पहले ब्याह में दिया है, अभी दूसरी बार आज सुबह ही बच्चा दिया है। तो क्या उम्मीद करेंगे भाई साहब, कितना दूध निकाल देगी? भाई साहब इस बार ये सोच रहे हैं कि 20-21 कम से कम निकाले। 20-21 किलो दूध निकाल भी देगी। जोटी का वजन देखिए बहुत ही शानदार, बिल्कुल छोटे सींग की है, आज ही बच्चा दिया है। इस कारण से थोड़ा सा मैं कहूँगा कोई भी पशु जो है वो एक किस्म से, कोई भी जो पशु है वो एक बार ब्याने के तुरंत बाद टूट जाता है। लेकिन जोटी की बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है भाई ने, देखिए बालों की कटिंग वगैरह कर रखी है और अड्र बहुत ही शानदार, ना ज़्यादा टूटा हुआ अड्र है और खुले अड्र की जोटी है, बिल्कुल चारों थन बहुत दूरी पे, शो क्वालिटी की मैं कहूँगा जोटी को। अगर कंपटीशन वगैरह में भी लगाया जाए तो पार्टिसिपेट कर सकती है। और कौन सा क्या बच्चा दिया है भाई साहब इसने? फीमेल है भाई साहब, कटड़ी दी है। कटड़ी दी है, पता है कौन से सीमन की है? हाँ, सीमन का है हमारे पास, M29 का सीमन हम खुद लेके आया था, मैं खुद हिसार से। हाँ, और M29 का सीमन रखवाया था। M29 की बेटी है, ठीक है, M29 की बेटी है कटड़ी, जो सामने आप देख पा रहे हैं नीचे बैठी हुई। अभी मेरे ख्याल से खड़ा होना भी नहीं सीखा, कोई घंटा दो घंटा भर पहले ही जोटी ने बच्चा दिया है, बहुत ही शानदार। तो भाई साहब जोटी को घर रखेंगे या बेचेंगे? भाई साहब अच्छे पैसे लगे, अच्छा को ब्रीड रहोगा तो बेच भी देंगे। अच्छा, तो कितने की बेचने की सलाह है जी? भाई साहब 5 लाख रुपए की बेचने की सलाह है। 5 लाख रुपए की। तो मोबाइल नंबर क्या है भाई साहब अपना? मोबाइल नंबर भाई साहब 9416-776-058। 9416-776-058। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है भाई का, बहुत ही शानदार जोटी इन्होंने तैयार की है दूसरे ब्यांत की घर पे। भाई साहब एक बात और कहूंगा मैं। हाँ हाँ। मैं तो यहाँ जोटी के पास बिल्कुल नहीं रहता, ये सारी संभाल मेरी माँ ने की हुई है। अच्छा, आपकी माता जी करते हैं पूरे पशुओं की? मेरी माता जी करती है सारी भैंसों की, उन्हीं की ये संभाल का नतीजा है। हरियाणा में मोस्टली हमारी जो औरतें हैं वही लगभग, चाहे वो माँ हो चाहे हमारे घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी वही संभालते हैं पशु। तो भाई साहब पूछना चाहूंगा, जोटी बहुत बढ़िया तैयारी में है, इसको ब्याने से पहले घी दिया है या तेल दिया है या क्या डाइट दी है? भाई साहब इसको दिया है घी, दिया 5-4 किलो देसी घी दिया है अपना भैंस का ही। हाँ हाँ, तो घी दिया है इसको। सरसों का तेल भी देते हैं? ना, सरसों का तेल हमने नहीं दिया। अच्छा, घी दिया है 4-5 किलो के आसपास भाई साहब बता रहे हैं, और दांतों से शायद अभी मिली नहीं है जोटी, शायद 6 दांत है, 8वें दांत अभी तोड़े नहीं है, दूसरे ब्यांत की जोटी। थोड़ा सा पशु ब्याने के बाद डर रहा है उसी तरीके से, बहुत छोटे सींग की पीठ पुट्ठा, बहुत ही शानदार चौड़े पुट्ठे की है, काला रंग देखिए बहुत बिल्कुल जेड ब्लैक है, और रेट भाई साहब ने हमें बताया 5 लाख रुपए
बीस इक्कीस किलो दूध की पूरी उम्मीद, और ये वाली जो है इसके पीछे अभी कटड़ी है, ये देखिए पहली बार कटड़ी, पिछले ब्याह की ये कटड़ी है, पिछले ब्याह की ये कटड़ी। कितने महीने की होगी जी ये कटड़ी? ये होगी सवा साल की कटड़ी हुई है, सवा साल की। ठीक है ठीक है, कटड़ी तो घर ही रखते होगे भाई साहब? हाँ, कटड़ी घर रखते हैं। ठीक है ठीक है, तो अभी भाई साहब जैसे कि कितने दिन के बाद दाना शुरू कर देंगे, फीड फैड पशु को देना, या अभी नहीं देंगे? ना भाई साहब, मैं हम तो 10 दिन के बाद शुरू करते हैं थोड़ा बहुत देना। अच्छा, तो उससे पहले क्या, अभी क्या देंगे? उससे पहले सूखा तोड़ा में थोड़ा बहुत चून लगा देंगे, या हरा चारा का थोड़ा बहुत, हरा चारा का देखेंगे। गुड़ मेथी भी देते हो? हाँ, गुड़ मेथी अभी तो नहीं देंगे, गुड़ तो देंगे अभी, मेथी नहीं देंगे, बाद में। ठीक है ठीक है, लगभग 10 दिन के बाद भाई साहब ने बताया। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे स्क्रीन में चल रहा है। तो जो बहुत सारी डिमांड बहुत भाई हमारे से करते हैं कि अच्छा पशुधन हमें चाहिए, ऐसी भैंस चाहिए जो ब्रीडिंग के लायक हो, लंबे टाइम तक हम रख सकें उस भैंस को। तो ये जोटी देखिए दूसरे ब्यांत की है, बिल्कुल जवान, 6 दांत है, 6 दांत में बहुत सारे एरिए ऐसे हैं जहाँ पर पहले ब्यांत में बच्चा देती है 6 दांत जोटियाँ। तो साथ में इसके रिजल्ट भी आप देख पा रहे हैं, कटड़ी भी जो इसकी पिछले ब्यांत की है वो बहुत ही खूबसूरत है, और अभी भी इसने कटड़ी ही दी है। एड्रेस दोबारा बता दो एक बार। हाँ हाँ, एड्रेस बता दो भाई। एड्रेस भाई साहब, सुशील कुमार, गांव है जजवंती, डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है, तहसील जुलाना है। ठीक है ठीक है, जींद से 20 किलोमीटर है, जुलाना से 4 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है जी भाई, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है भाई का, और एड्रेस इन्होंने बताया स्क्रीन में नीचे चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, जोटी के बारे में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।